कि पत्रकारों को हिस्सा कोई पार्टी नहीं देती है। तो पहले तो हमने सुनील अर्कवंशी जो आपके साथी हैं उनको हमने टिकट दिया, संजीला हमने अपना वचन निभाया है। बोलिए जोर से, अगली बताइए, वो तो पॉलिटिकल बात हो गई, अपनी बात बताइए। हम अपनी बात बता रहे, देखिए राजभवन या मुख्यमंत्री ऑफिस से कोई ऐसा नियुक्त नहीं था कि फला तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार, ये सूत्रों के हवाले से खबरें चली और उसी को लोग मान लेते थे। इधर हमारी बात फोन आए थे ऊपर से कि जल्द ही हम लोग इस पे चुनाव के बाद काम पे लगते हैं, जल्दी। आज मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं, क्या इसी सिलसिले में गए हैं, क्या संकेत क्या मिलना है प्राथमिकता? कई बार जा चुके हैं ना दिल्ली भी और राजभवन भी मुलाकात कर चुके हैं, संकेत नहीं मिल पाए। संकेत मिले नीचे लौटते हैं तो तारीख बता दें। मंत्री पद कब मिल रहा आपको? मंत्री जी तो गुजर बैठे, आप बताइए आपको कब मिलेगा? जिस दिन विस्तार होगा उस दिन सरकार में शामिल। अच्छा, जो जातिगत जनगणना की बात जो है, जातिगत जनगणना पर विपक्ष ने पूरा जो है सवाल खड़ा किया और चुनाव लड़े, सफलता नहीं मिली, अब क्या नया ट्रेंड क्या आएगा? जनता विकास चाहती है, गरीब कमजोर लोग अपना हिस्सा चाहते हैं, उस बात को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आप उठा के देखिए कि चाहे किसान सम्मान निधि हो, सीधे खाते में जा रही बिचौलिया है, जो आयुष्मान कार्ड जो गरीबों के 5 लाख रुपया इलाज के लिए वो सीधे उनके यहाँ खाते में जा रहा है इलाज के लिए, उसके बाद जो गरीबों को राशन की मामला है वो सीधे उनके यहाँ तक पहुँच रहा है। अब रही बात लाइन आर्डर की, बड़ा आरोप सपा के लोग लगा रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी बोल रहे हैं, बसपा के, जब कांग्रेस और सपा की सरकारें थी हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि यहाँ दंगे होते थे। सवाल सर जातिगत जनगणना को, मैं तो कह रहा हूँ जातिवाद जनगणना ने वो स्थिति पहुँचा दिया कि विपक्षियों की 3 बार मीटिंग हुई, तीन बार बैठक हुई और 3 तारीख को 3 राज्य गायब हो गया, उनका जातिवाद जनगणना उन्हीं के घर में चला गया। जनता जागरूक हो चुकी, जनता ये समझ गई है कि ये सिर्फ वोट लेने के लिए हम लोगों को गुमराह करने की साजिश के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। जब ये सत्ता में थे, जब कांग्रेस की सपा की और बसपा की मिली जुली गवर्नमेंट देश में थी, तो ये लोग क्यों नहीं जातिवाद जनगणना कराए? तब इन्होंने हमको हक देने की बात क्यों नहीं किया जब ये पावर में थे? आज पावर से बाहर हो गए तो आज हमको गुमराह कर रहे हैं, ये जनता समझ चुकी है। आपकी मांग जारी रहेगी जातिवाद? हमारा अपना पार्टी का तो मामला एकदम पिकअप पर रहता है। एक सवाल और है, आज अखिलेश यादव का ये कहना था कि चुनाव नतीजों के बाद जो है इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा, जो चुनाव नतीजे आए हैं उस पर कोई बहुत फर्क लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं पड़ेगा। उन्होंने ही कहा था कांग्रेस पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि समाजवादी पार्टी भी टीम है, और अखिलेश जी ने ही बयान दिया था कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना, जब हमको धोखा दे दिया तो फिर आप लोगों को धोखा देते देर नहीं लगेगी। अखिलेश जी के बयान है, मेरे बयान नहीं, अब प्रोफेसर रामगोपाल जी के बयान हम लोग चला रहे हैं, देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये 3 राज्यों की जीत का सबसे बड़ा श्रेय मोदी जी का जादू है, तो वो जादू के सामने ये लोग कहाँ टिकेंगे? वही लोग बोल रहे हैं। तो देखिए हम जानते हैं ना, इन लोगों के साथ रहे हैं ना, इस दिन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं और रात को गुलदस्ता लेके योगी जी मोदी जी को सनम गच्छामी, ये लोग जुगाड़ बनाए हैं, ये सब नारा बनाए हैं कि विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। परिवहन मंत्री से आजकल आपकी केमिस्ट्री बड़ी जम रही है, अभी भाषण दे रहे थे परिवहन मंत्री जी, तो जो योगी जी ने फैसला लिया था आपको मंत्रिमंडल से नीचे उस पर मंत्रिमंडल से निकालने का फैसला लिया था, बर्खास्त हुआ था, आपने कहा कि त्याग पत्र दिया, कितनी जल्दी जो है, मतलब क्या केमिस्ट्री हो रही चल रही है? आपने बड़ी कोशिश किया मनाने के लिए कि हमारे बड़े भाई बड़े सुचिंतक हैं, हम कहीं भी रहते हैं लेकिन हमारा इनका संबंध अपनी जगह है, ये बड़ी कोशिश किए, हमको योगी जी ने नहीं निकाला। आपको पता होगा कि जब हमने रिजाइन देके हम चले, चुनाव के बाद, चुनाव के पहले, चुनाव में अपने पार्टी अपने सिंबल पे लड़ा, सर योगी जी ने नहीं, उसके बाद राज्यपाल को वो तो भाई जानते हैं, राजनीति में जुगाड़ है ना, ओम प्रकाश राजभर में कुछ वोट हमू लगा लेकिन जब आप
जब आप मंच पर नहीं आए थे उसके पहले आपने जो कीर्तन कहा था, एक ये गाना गाना यहाँ चल रहा है, क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी है, इस पर क्या है? नहीं तो यही तो बात है, विरोधियों को उनकी फितरत छुपी रहती है, लेते हैं नाम पीडीए का और काम करते हैं अपनी जाति का। जब चुनाव आ गया तो पीडीए याद आया, जब सत्ता में थे 5 साल मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लोग थे मिलजुल करके, तब तो नाई गोणपाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान आरा कर्क बंसी बंजारा बहलिया खंगार जुल्हा दुनिया सारी साई दर्जी फकीर ब्राह्मण राजपूत भूमिहार नहीं दिखाई दिया। तब तक काली बिरादर लोग कत रहे हैं, पुलिस का भर्ती कहा पकड़ लिया हो कत्तों से भाई चरावत होके। राजभर जी एक सवाल हम भी पूछना चाह रहे हैं, 2024 चुनाव को लेकर के जो सपा और कांग्रेस की पूर्व में चौरानी जिठानी की लड़ाई देखी जा रही थी, क्या आगे भी रहेगी, क्या कहना चाहेंगे? 100% रही महाराज। देखिए ये चित्तू कांता एक कहानी हमारे पूर्वांचल में है, ये सब चित्तू कांता है, ये सब ईडी सीबीआई से बचे बदे राखी के जाके योगी मोदी जी के यहाँ जाके शरणम गच्छामी हो जाते हैं और कहते हैं कि तेईस दिन में हम लोगों को भाषण अपने खिलाफ बोलने दीजिए लेकिन हम लोगों को बचाए रखिए। ये लोगों का काम है,